नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज वार्ड नंबर 43 में दीपक प्रसाद जी जो बेनिफिशरी हैं, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिला और बहुत ही खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य कि प्रधानमंत्री के माध्यम से, काउंसलर होने के माध्यम से मैंने जो जरूरतमंदों को घर दिया, बहुत ही खुशी लग रहा है कि जो हमारा सपना था या तो मोदी जी का सपना था कि हर गरीबों को घर मिले जिसका छत ना हो, आज वो हुआ। आज मैं भी खुश हूँ और आपके सामने दीपक प्रसाद जी भी हैं, उनके मिसेस भी हैं, वो भी अपनी जुबानी बताएंगे कि क्या उनका अनुभव हो रहा है। खुश है कि आशा जी सर, आज आशा शर्मा की तरफ से हमको घर मिला। हम लोग बहुत दुखी थे, हम लोग को याद था तो सोचते थे कि कहाँ रहेंगे, लेकिन आशा जी की तरफ से हमको घर बना। हम बहुत खुश हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, मोदी जी की तरफ से उनको मिला और आशा जी को विशेष करते हैं उनको धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे वार्ड नंबर 43 के बेनिफिशरी जो हैं बहुत ही खुश हैं, रंजू प्रसाद और तारकेश्वर प्रसाद जी, जो आज मोदी जी ने जो घर दिया है उन्हें आज पाकर बहुत खुश हैं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम वार्ड नंबर 43 में कई जरूरतमंदों को हमने मेरे द्वारा घर बनवाया गया और बहुत खुशी। आप इनके जुआने ही आप सुन लें कि क्या मतलब खुशियां व्यक्त कर रही है। बहुत खुशी, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी। हम कभी नहीं घर बने, भाड़ा घर में इतना दिन से भरा रहे, 1.5 साल से 4,000 रुपये महीना दे रहे, बहुत खुशी। मोदी जी का आशीर्वाद है कि हम लोग को ये घर मिला है बनाने के लिए, बनने के लिए, रहने के लिए। और आशा दीदी भाभी लोग का ये थी है कि आज हम लोग अपने नए घर में हैं और आज गृह प्रवेश किए हैं, इससे और सौभाग्य की बात और क्या कह सकते हैं। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय। दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाभार्थियों को घर का उद्घाटन किया। दोनों लाभार्थी बहुत ही खुश थे, मानो दुनिया की सारी खुशियों से मिल गई हो। और सच में अगर कोई गरीब जिसका छत ना हो अगर घर मिल जाए तो कितने खुश हो सकते हैं, आप ये अनुभव लगा सकते हैं। और एक और भी इससे जुड़ी मेरी बचपन की जो इच्छा थी, मेरे बचपन के जो सपने थे कि मैं गरीबों को घर बनाऊं, आज मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मोदी जी के प्रयासों से और वार्ड नंबर 43 के सभी जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो मुझे पार्षद बनाया। आज अगर पार्षद नहीं होती तो शायद मैं उनका घर नहीं बना पाती। मैं एक छोटी सी घटना को बताना चाहती हूँ, छोटी सी जो बचपन की जो कुछ यादें हैं मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, करीब 12 साल की होगी, उसमें जब मैं अपने छत पे चढ़ती थी, मेरा घर पक्के का था लेकिन आसपास के घर कुछ घर कच्चे थे और टाली के थे, तो मुझे लगता था काश मेरा घर जैसा उन लोगों का भी हो। तब मैंने दादाजी से सवाल किया कि दादाजी मेरे घर जैसा सबका घर क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा उनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के। तो मैंने कहा कि मैं बड़ी होकर बहुत सारे पैसे कमाऊँगी और सभी का घर बनाऊँगी। तब दादाजी ने हंस के कहा कि कोई भी इंसान किसी का घर नहीं बना सकता है पैसे कमा कर। तब मैंने पूछा चाव से कि दादाजी गरीब का घर कौन बनाता है। तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग बनाते हैं। आज मानो उन सभी लाभार्थियों को जब मैंने उद्घाटन किया, मेरे खुशी से आँख भर आई कि सच में इंसान जब अपने लक्ष्य को तय करता है कि मुझे कुछ करना है और अपने मेहनत के बदौलत और अपने कर्मठता के बदौलत अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। जो जैसा सोचता है कि हम इस तरह बने वो जरूर बनता है। तो मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, अपने वार्ड की सभी जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन सभी के समर्थन से ही आज ये कार्य सफल हो पाया। आज
उन सब के आँखों में जो खुशियाँ मैंने देखी, मैं उसे किन शब्दों में बयां करूँ। बस इसी के साथ आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा।